सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दौलत से दोस्त बने वो दोस्त नहीं, पर सच कहूँ तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। जल्दी गुस्सा करना मूर्खता साबित करता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। आज का पंचांग 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मकर राशि 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। इस समय आपके जीवन में अजीब सी घटनाएं हो रही है, जैसे अभी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती है। विशेषतः विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे। साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। ग्रहों की चाल के अनुसार इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापारिक चिंताओं को दर्शाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में व्यापारिक मानसिक तनाव की हावी स्थिति को दर्शाने वाला रहेगा। दोपहर बाद भाग्य का साथ मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आज नौकरी पेशा वर्ग के लोग ज्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम करते देखे जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में आज मधुरता देखी जाएगी, जिससे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर जागरूक देखे जाएंगे। हालांकि आज आपका अपने घर परिवार के लोगों के साथ कुछ विवाह हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें और अपनी वाणी पर संतुलन रखें ताकि रिश्ते अच्छे बने रहें। सावधानियां, आपके लिए किसी परेशानी से निजात दिलाने वाला दिन रह सकता है। किसी बड़ी या आर्थिक योजना पर आप विचार कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर लाभदायक रहेगी, परंतु आपको अभी परेशानी का सामना इसके कारण करना पड़ सकता है। खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने साथी के साथ और अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़कर अपने प्रेमी की चिंता करने का है। बात करते हैं करियर की। आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। आप अब अपनी किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। बात करते हैं सेहत की। सांस संबंधित दिक्कतें आज आपको परेशान करेगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।